हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो जो हम देख रहे हैं वो है एक्सपोजिंग अभिनव अरोरा द 10-year-old पाखंडी बाबा स्वामी राम भद्राचार्य वायरल वीडियो। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे मैं अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ढोंगी बाबा के बारे में, एक 10 साल के छोटे से भोले से ढोंगी बाबा के बारे में। इस बच्चे के बारे में बात करने में बुरा भी लग रहा है पर बहुत जरूरत है इस बारे में बात करना, क्योंकि इसके पीछे इसके पिताजी हैं, क्योंकि जो पैसे कमाने के चक्कर में और फेम के चक्कर में अपने बच्चे को एक कैश काउ की तरह ट्रीट कर रहा है। ये वीडियो देखिए जो वायरल हो रहा है, यहाँ ये बच्चा डांस कर रहा है। आपको लग रहा होगा नॉर्मल है, एक बच्चा एंजॉय कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक वहां खड़ा है और आनंद ले रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको यहाँ रील बनाने के लिए बोला गया है। इसको यहाँ इस रील बनाने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि इस रील को बना के इसके पिताजी ढेरों फॉलोअर्स बटोरेंगे धर्म को बेच के, सनातन धर्म को बेच के। पर क्या होता ना, इसके पिताजी ने शायद ये सोचा होगा कि सबकी आंखों में धूल झोंक देंगे, पर ऐसे गुरु ऐसे संत जो 74 साल के हैं पर 700 साल की नॉलेज रखते हैं, उनकी आंखें ना होते हुए भी इसके बाप को ये नहीं समझ में आया कि वो इस संत की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, इस संत ने इस बच्चे को वहां से निकाल फेंका, वहां स्टेज से उतरने को बोला। ऐसा क्यों, कौन है ये संत, क्यों समझ में आ गया, कैसे समझ में आ गया और देखने मुझे क्या हुआ, वीडियो दिखाओ। कैसे ये बच्चा 10 साल का बेवकूफ बना रहा है पूरी जनता को, इतने फॉलोअर्स। सारी चीजों का भांडा फोड़ करेंगे आज इस वीडियो में और जानेंगे कैसे इसके पिता अपने बच्चे को मार्केट में बेच रहे हैं, धर्म की मार्केट में बेच रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं, स्कैम को अंजाम कैसे दे पा रहे हैं। चलिए करते हैं इस वीडियो में पूरा पर्दाफाश कुछ ही मिनटों में, लेट्स गो। चलिए बात करते हैं इस इंसिडेंट की जो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें ये बच्चा नाच रहा है और जो संत बैठे हैं ना, ये कोई और नहीं स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं। तो ये पहुंच कैसे गया उनके पास तक, 74 इयर्स के हैं पर ज्ञान में 700 साल के हैं। क्यों, क्योंकि ही इज अ स्कॉलर, ही इज एन एजुकेटर, ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर, पॉलीगॉट, पोएट, एन ऑथर, एक टेक्सचुअल कमेंटेटर, अ सिंगर, अ कंपोजर, अ फिलोसोफर, अ प्लेराइट एंड अ कथा आर्टिस्ट बेस्ड इन चित्रकूट, जिनके बारे में आजकल दुनिया जान रही है। इनके ज्ञान की सीमा कोई नहीं है और इनकी आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। इनको दिखता नहीं है पर ये देख पाए इस धूल को, इस पाखंडी को, इस छोटे से बच्चे के भोलेपन के पीछे जो इसका नकलीपन है, जैसे धर्म को यूज कर रहा है, वो ये देख पाए और उसको तभी तुरंत स्टेज से जाने के लिए बोल दिया गया। सियावर रामचंद्र भगवान की, इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री, इतने सुंदर भाव हम सब लोगों को बताने के लिए। ओम नमो राघवाय। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई, पता है कि कैसे मतलब? क्योंकि मर्यादा के सख्त खिलाफ है और वहीं मतलब? से पता चलता है कि कैसे कुछ धूर्त और कुछ पाखंडी बच्चों की जिंदगी तो दबा करते ही हैं, धर्म को लीवरेज करके उस धर्म को भी मॉक करते हैं और कुछ नहीं। और ऐसे लोगों की थूथू होनी चाहिए और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। और अगर मैं आज ये दावा कर रहा हूँ कि ये पाखंडी है, इसका बाप पाखंडी है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा आज, कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। बहुत पाखंडी है, इससे पहले 10 साल के ढोंगी बाबा का भांडा फोड़ करें, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको जरूरत नहीं है नकलीपन की, आपको जरूरत नहीं है लोगों को अंधविश्वास बेचने की या एक गिमिक क्रिएट करने की, जो आपके पास इतने एवेन्यूज बोलिए जनता बहुत है भैया। एक्सपर्ट हुए नहीं, आजकल तो एक्सपर्ट हुए बिना भी आप कई चीजें कर सकते हैं, आप पैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। तो इससे पहले इस पूरे मामले को, इस पूरे स्कैम को हम एक्सपोज करें और बस्ट करें, उससे पहले मैं आपको उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका फायदा आपको उठा लेना चाहिए। मैंने तो आप 25,000 रुपए इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और कमा सकते हो। आपको अपना पैसा इन्वेस्टक्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप अभी डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड क्यों करो आज ही और अभी, इसका 1% कैशबैक और आपने भी मेंटेन किए जाते हैं जिसपे ये रिजर्व की प्लेटफॉर्म का अपनी सिटी में होने वाले कॉन्सर्ट का एक टिकट फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकता है आज अगर ये ऐप डाउनलोड करते हो। तो म्यूजिक अच्छा लगता है और बल्ले बल्ले करनी है तो ये मौका हाथ से मत जाने देना। अब वापस लौटते हैं 10 साल के ढोंगी बाबा के भांडा फोड़ पे।
तो सबसे पहले बात करते हैं अभिनव अरोड़ा, ये 10 साल का ढोंगी बाबा, इसके बाप तरुण अरोड़ा ने इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बायो में क्या लिखा है इसके बारे में। वो कहते हैं ही इज इंडियाज यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर, पर आपको उसकी सीक्रेट पता होनी चाहिए। वो ऐसे है कि कुछ उदाहरण देता हूं मैं। पहला तो तरुण अरोड़ा जी ने अभिनव अरोड़ा की पूरी साइकी चेंज कर दी। इस बच्चे को एक नकली जिंदगी दे दी है, जैसे टेबल्स मैथ्स के लर्न करने को मक करने को दिए जाते हैं, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मक करने को दे दिए गए, और फिर पॉडकास्ट वालों को बुला के वो ये सवाल पूछने के लिए बोला गया। डेली रूटीन कैसा होता है, आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या है। तो ये बच्चा अगर आप इसकी टोन देखोगे, इसका बोलने का तरीका देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रटे रटाए डायलॉग है, एक ही टोन में बात करता है, कोई मॉड्यूलेशन नहीं है। वो तभी होता है जब आप नेचुरली बात नहीं कर रहे हो, ऑर्गेनिकली बात नहीं कर रहे हो, आप बना बनाए रट्टा लगाए वो बातों के जवाब दे रहे हो। कुछ उदाहरण है देखिए। आपका कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचा रही हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरे साथ ठाकुर जी के इतना बड़ा लग रहा है और तोतला वैसे बोल रहा है। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये रट्टा है, क्योंकि एक चीज को हर इंटरव्यू में सेम तरह से बोलना, सेम वर्ड्स को यूज करना, ये अगर आप रट्टा लगाते हो तभी हो सकता है। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आदर को शर्म आनी चाहिए। पूरे वीडियो को फिर से शूट करूँ ना तो करीबन 40-50% डिफरेंस होगा जो मैं बातें रखूंगा, जिस तरह मैं बात बोलूंगा, जो एग्जाम्पल्स मैं दूंगा। बट ये बच्चा सेम ही चीज बोलता है, जैसे 2 × 2 = 4, और सूरी बतानी है तो हमेशा एक थिरा जाना नहीं, दोनों मर गए खत्म कहानी। फर्क नहीं पड़ता मुझे, नहीं फर्क पड़ता मुझे, फर्क नहीं 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 पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। बस इतना ही बोल पाएगा स्टोरी के बल पे। आपको इससे एक और सीन अगर मैं याद करवाऊं जो मुन्ना भाई का है, जिसमें गांधी की बुक्स पढ़ के जो संजय दत्त हैं जो मेन कैरेक्टर हैं, उसमें हर चीज वही बोलते हैं जो गांधी जी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो रट्टा लगाया होता, उन्होंने वो पढ़ा होता। क्वेश्चन वन देखा अभी हमने, काकली की थी पूरी, देखना मोहनदास इसी चैनल पे होगी। मोहनदास यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने गए हो, भक्ति नहीं है, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो भक्ति नहीं है, भक्ति तो कम उम्र से ये शुरू कीजिए। आपके पिताजी का नाम करमचंद, करमचंद, पर जब भी उनको कोई और सिचुएशन दे दी जाती है तो वो ब्लैंक हो जाता। आपकी माँ का नाम, अपनी माँ का नाम पूरा हमने कर ले किया। आपको किस किस में देखा था हमारा वो वाला वीडियो, यही इसके साथ भी होता है। अब कुछ और उदाहरण देता हूँ जहाँ जब एंकर ने कुछ और सवाल पूछ लिया तो ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता। लेडी वाला किसी को देखते हो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? ये हमने देखा था ना उस वाली वीडियो में भी एक जो देखी थी। मुझे इनफैक्ट तरस आ रहा है ऐसे बच्चे पर जिसको पता भी नहीं क्या बोलना है, उसको पता है वो एक नकली जिंदगी दे रहा है। इससे इमेजिन करिए उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी साइकोलॉजी पे कितना असर पड़ता होगा। क्या हुआ? अब ये मुझे बताइए, साउथ अफ्रीका में आपके आश्रम का नाम क्या था? क्या वो कुछ दिक्कत हो रही है फोन में? नहीं, अब ठीक है। इस बाप को पैसा चाहिए, जैसे काऊ होती है ना, गाय होती है हमारे घर में जो दूध देती रहती है, उसको पालते हैं पोसते हैं, बाप तो घटिया है। ये बाप अपने बच्चे से पैसा कमाना चाहता है, उसको धर्म की मार्केट में बेच के पागल कर रहा है बच्चे को भी। और समस्या इसलिए भी है कि एक बच्चे का बचपन बहुत जरूरी होता है, जो कि कुछ पुराने वीडियोस जो मैंने देखे, जो मैंने रिसर्च करी और पाया, पहले कुछ ही टाइम पहले 1-2 साल पहले ये बच्चा बिल्कुल डिफरेंट था, अलग अलग चीजें यूज करता था, फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप। नहीं, वही वर्ड जो आज ये नॉर्मल बच्चा था और ढंग से बोलता था। इसके रूम की हालत कुछ और थी, आज कुछ और है, तो इसके बाप ने इसको एक नकली जिंदगी दे दी है। तो आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया, जो कि कह सकते हैं इसके बाद सोशल मीडिया जीनियस है। इनफैक्ट मैं डिजिटल अथॉरिटी की बात करता हूँ, प्रोग्राम्स भेजता हूँ, न्यूज़लेटर में आपको फ्री इन्फॉर्मेशन देता हूँ कैसे डिजिटल अथॉरिटी आप करनी चाहिए, पर इसका बाप तरुण अरोड़ा भी इसमें कम नहीं है। मैं तो आपको खुले आम बोकर सिखाता हूँ, पर ये इंसान तो ढक छुप के धर्म की आड़ में अपने बच्चे को यूज कर रहा है
बस उसकी डिजिटल अथॉरिटी बनाने के लिए, जिससे वो पैसा कमा सके। कृपा हुई मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया, और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभी ना पर नहीं थोपी है। गाइस, इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए कंक्लूजन में साफ कहूंगा कि इसमें ना बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या पता क्या है? पहली समस्या है बच्चे का नुकसान, उसके बचपने का नुकसान, उसको नकली जिंदगी दे देना, सोसाइटी को कितना बेवकूफ बना। इनको करो नीचे दें, इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई, ऐसा जब आप करते हैं तो एक की जगह 100 बनते हैं और 100 की जगह 1000 बनते हैं, और ऐसे ही सब लोग धर्म की आड़ में धंधा करना शुरू कर दिया है धर्म को बच्चों को यूज करके, तो हमारा समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। गलत पता है, सनातन धर्म तो खराब हो ही रहा है, इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब कर रहा है इसका पिता, और इसको कंडम करना बनेगा बड़े होके। साफ लिखा गया है कि आप अपने बच्चे को एक प्रोडक्ट की तरह नहीं यूज कर सकते, और इसका बाप शायद ये नहीं समझ पा रहा कि अपने बच्चों को आइडेंटिटी इम्पोजिशन सिंड्रोम दे रहा है जो इसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। इसका वीडियो हमने पहले भी किया था, अनफॉर्चुनेट है बड़ा, और अभी तो और भी शॉक लग रहा है। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रही हूँ देयर शुड बी लॉ कि आप इस तरह से एक तो किसी रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हो, दूसरा तुम लोगों को स्कैम कर रहे हो, तीसरा बच्चे को तुमने एक कॉमोडिटी बना के उसकी भी जिंदगी खराब कर रहे हो, और उसको गलत चीजें सिखा रहे हो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, फ्रॉडिया काम करने है, तुमने वो बच्चे को वो बना रहे हो, और किस तरह से वो बच्चा खुद ही बोलता है मेरे को तो भगवान जी ने बताया, मेरे को तो ये किया, वो तो सुन के जब मैं बहुत ही तो सिंपल है, मुझे गुस्सा आ जाता है। गवर्नमेंट को एक साइकोलॉजिस्ट को भेजना चाहिए इस बच्चे से बात करने के लिए, उससे पता चल जाएगा आपको कि सारा उसे पढ़ा लिखा है, मतलब सब नहीं। और अगर जैसे पीछे की वीडियोस दिखाई हैं ना जिसमें नॉर्मल बच्चा है, टी शर्ट पहन रहा है, फोन पे कर रहा है, मुझे लगता है पहले इन्होंने कोशिश की माँ बाप ने कि ये फेमस हो जाए, रील्स या टिकटॉक और उस टाइप की वीडियोज, जैसे नाम नॉर्मल बच्चे नहीं बनाते हैं आजकल के जो लफंटू टाइप बच्चे होते हैं, उस टाइप की उससे बनवाई होंगी मुझे लग रहा है। जब देखा कि उससे पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही तो उन्होंने ट्रैक चेंज करके उसको इस टाइप से कपड़े कुपड़े भगवान का करके बना के बिठा दिया है, और उससे पैसा ऐंठ रहा है ये फादर, और फादर के ऊपर भी केस होना चाहिए। बच्चा अगर ऐसा काम यूएसए में हो रहा था ना, वो सोशल सिक्योरिटी आती और बच्चे को ले गई होती, माँ बाप के पास रखती नहीं, यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है, जैसे उनको ये पता चलता ना ऐसा हो रहा है उसी टाइम बच्चा गया माँ बाप। पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ ही है यार, साइकोलॉजिस्ट। अगर बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा फॉर एनी रीजन अदर देन कि वो बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है, उसका भी प्रूफ दिखाओगे, अदर देन ऐसा कोई रीजन, अगर स्कूल में भी नहीं जा रहा हो, तुमने बच्चे को घर में बिठा के रखा तो सोशल सिक्योरिटी तब भी ले जाएगी तुम्हारे बच्चे को। यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, और यहाँ देखो कितना मिसयूज हो रहा है बच्चे का रिलीजन का, हद हो गई है यार, और इतना टाइम हो गया है और कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तभी तो ऐसे कितने सारे खड़े हो जाते हैं अपने देश में और बदनाम कर रहे हैं रिलीजन को, बदनाम लिटरली। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।